बोलो, आज खाने की तैयारी नहीं करनी है। करनी है ना। क्या खाओगे आज बोलो? कोई भी सब्जी बनाओ, लेकिन रोटी सब्जी खाने का बड़ा मन है। अच्छा, सोचती हूँ। सुधा, मेरे लिए तो दाल चावल ही बनाना, मैं तो आज सब्जी रोटी नहीं खाऊंगी। सोचने वाली बात है, मम्मी को दाल के साथ खाना है और बेबी को सब्जी के साथ खाना है, तो देखती हूँ किचन में जाके क्या हो सकता है। ओ, केवल लौकी है और टमाटर है, तो चलो देखती हूँ अभी। लौकी है तो लौकी से काम चल जाएगा। केयूरी। हाँ मम्मा। आप एक काम कर दो, टमाटर और प्याज को मुझे बारीक चॉप कर दो और आप मिलिए इंट्रो के बाद। जैसे कि आपने देखा, आज की हमारी ज़रूरत क्या है, एक ऐसी डिश जो रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो बनाते हैं चना दाल और लौकी की एक डिश। ये चने दाल को मैंने 2 घंटे भिगोया था, तो देखो ऐसे अच्छी तरह हो गई है। अभी इसमें लौकी डालना है, तो इसके छिलके निकाल के इसके पीसेस कर लेती हूँ मैं। दाल और लौकी को कुकर में बॉईल कर लेते हैं। और 2 कप पानी डालना है। अब थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं कलर के लिए, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। ये दाल और लौकी हमारी बॉईल हो गई है, देखो अच्छी तरह। अभी चॉप की तैयारी कर लेते हैं। पहले ऑयल बड़ा चम्मच, अब इसमें जीरा, जीरा हो गया अभी, अजवाइन, थोड़ी हींग, दो लाल मिर्च, खड़े मसाले, अदरक, ग्रीन मिर्च, लहसुन, सबको मिक्स कर लेते हैं। एक बड़ी प्याज, प्याज को थोड़ा होने देना है अभी। एक बड़ा टमाटर, ये इजी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है, ये आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। अभी सारे मसाले डाल देती हूँ, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी हल्दी,
गरम मसाला और नमक। सबको अच्छी तरह मिक्स करना है हमें। सारे मसाले देखो मिक्स हो गए अभी, जो बॉईल किए थी चना दाल और लौकी अब डाल देते हैं इसमें। गुड़ का एक छोटा टुकड़ा डाल रही हूँ। गुड़ डालना ऑप्शनल है, इसको अभी पकाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाए। एक आपको टिप देती हूँ, अगर आपसे गलती से भी थोड़ा पानी इसमें ज़्यादा हो गया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा बेसन का घोल बनाकर इसमें डाल सकते हैं तो भी ये डिश हमारी बढ़िया बनेगी। देखो ये हो गई है, बहुत ही कम समय और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अच्छी है ये। ये देखो ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत पतली भी नहीं है। अभी थोड़ा गार्निश करते हैं अदरक। ये लो केरी आपकी सब्जी। और मम्मी जी, ये आपकी दाल। दोनों खुश? हाँ जी बिल्कुल खुश। शुरू कीजिए। वाह मम्मा, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। दिल से सुझा बेटा, बहुत अच्छी है। वेलकम मम्मी। ऐसे ही मैं सबको खुश करती रहती हूँ, तो आप इसे जरूर बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी कुकिंग।